दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लिपर सर्किट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लिपर सर्किट क्या होते हैं? क्लिपर सर्किट ऐसे सर्किट होते हैं जिनमें डायोड का यूज होता है। किस लिए होता है? क्लिप अवे अ पोर्शन ऑफ इनपुट सिग्नल, यानी कि जो आपका इनपुट सिग्नल है उसके एक पर्टिकुलर पार्ट को, उसके एक पार्ट को हटाने के लिए क्लिपर सर्किट का यूज होता है, और बाकी का जो पार्ट होता है वो वैसा का वैसा ही रहता है। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर हम इस वेवफॉर्म से समझते हैं। दोस्तों, ये एक क्लिपर सर्किट है। यहाँ पर आपको डायोड दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें डायोड का यूज हो रहा है। ठीक है, अब ये इनपुट है, ये आउटपुट है। या अगर हम यहाँ पर इनपुट ये दें तो आपका आउटपुट ऐसा आएगा, यानी कि मेरा जो नेगेटिव वाला पार्ट था, इसका जो नेगेटिव पार्ट है इनपुट वेवफॉर्म का, वो मुझे आउटपुट में नहीं चाहिए। यहाँ पर ये क्लिप हो गया है और बाकी का पार्ट, ये वाला पार्ट वैसा का वैसा ही है, यानी कि ये वाला जो सर्किट है वो क्लिपर सर्किट है। ठीक है, अब जो क्लिपर सर्किट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सीरीज क्लिपर सर्किट और पैरेलल क्लिपर सर्किट। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज क्लिपर सर्किट। ठीक है, तो सीरीज क्लिपर सर्किट ऐसे सर्किट होते हैं जिनमें डायोड के साथ लोड जो होता है आपका वो सीरीज में होता है, यानी कि आप जहां पर आउटपुट लेंगे, यहां पर यहां आप लोड कनेक्ट करेंगे, वो इस डायोड के साथ सीरीज में होगा। ये देखिए, सीरीज में। ठीक है, तो ये आपका सीरीज क्लिपर सर्किट हो गया। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए मैं ये इनपुट अप्लाई करता हूं तो आउटपुट कैसा आता है वो देखते हैं। ठीक है, जब मैंने यहां पर इस इनपुट सिग्नल को अप्लाई किया तो इसका इनपुट वोल्टेज कितना है, पहले यहां से यहां तक प्लस वी। तो यहां पर जब प्लस वी अप्लाई होगा तो ये डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, और फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा तो यहां पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी और आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, जितना वोल्टेज इनपुट में था उतना ही वोल्टेज आउटपुट में मिल जाएगा। तो यहां पर मेरे पास प्लस वी वोल्ट यहां से यहां तक इनपुट में था, तो आउटपुट में मेरे को प्लस वी वोल्ट ऐसा का ऐसा ही मिल गया। अब चलते हैं नेगेटिव साइकिल की तरफ। जब ये आया नेगेटिव साइकिल तो यहां पर वोल्टेज हो जाएगा माइनस वी, यानी कि ये वाला पॉइंट अब हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो ये डायोड आपका हो जाएगा रिवर्स बायस में। ठीक है, अब रिवर्स बायस में होगा तो ये ओपन सर्किट बन जाएगा, और ओपन सर्किट बन जाएगा तो ये करंट फ्लो इसमें से नहीं होगी, तो करंट फ्लो नहीं होगी तो आपको आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा, यहां पर आपका आउटपुट जीरो होगा। तो ये देखिए, यहां पर यहां से यहां तक आपका आउटपुट जो है जीरो है, यानी कि ये वाला जो आपका पार्ट है वो क्लिप हो गया है और ये वाला जो पार्ट है पॉजिटिव साइकिल वो ऐसा का ऐसा ही है। तो ये आपका सीरीज क्लिपर सर्किट हो गया, यानी कि आपके नेगेटिव पार्ट को इसने क्लिप कर दिया है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम सीरीज क्लिपर सर्किट का। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, एक बैटरी लगा दी जिसका वोल्टेज वी है, ये डीसी बैटरी है। ठीक है, और इनपुट में मैंने इस साइन वेव को अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं आउटपुट कैसा आता है। तो सबसे पहले यहां पर जीरो वोल्ट आएगा, जब हम इसको यहां पर अप्लाई करेंगे साइन वेव को, तो जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, तो जीरो, लेकिन इस बैटरी का वोल्टेज इससे ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस डायोड को रिवर्स बायस में कर देगा। यहां से देखिए आप, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये डायोड आपका रिवर्स बायस में चला जाएगा। और अगर डायोड रिवर्स बायस में होता है तो आपको आउटपुट में यहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट बन जाएगा। तो ये देखिए, यहां से आपका जीरो से यहां तक, जब तक ये वोल्टेज वी नहीं हो जाएगा आपका इनपुट वोल्टेज, तब तक आपको आउटपुट में जीरो ही वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि आपका डायोड रिवर्स बायस में रहेगा। जैसे ही इसका वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज वी से ज्यादा हो जाता है, इस वी से ज्यादा हो जाता है, तो यहां पर देखिए, ये वी वाली लाइन है और ये आपका इनपुट है,
इस पॉइंट के ऊपर जाएंगे हम, यहाँ पर, यहाँ पर आपका वोल्टेज V से ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर आपको ये वाला वोल्टेज आपको मिलने लग जाएगा, ये देखिए, क्योंकि आपका डायोड यहाँ पर क्या होगा, बैटरी का वोल्टेज, इस इनपुट साइड का वोल्टेज बैटरी से ज़्यादा हो गया, तो आपका ये पार्ट अब पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। अब फॉरवर्ड बायस में आएगा तो आपको वोल्टेज कितना मिलेगा, वी इन माइनस वी, तो आपका जो वोल्टेज है वो वी इन माइनस वी होगा, तो यही आपको आउटपुट में मिलेगा। यानी कि आपका इसका मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, वी एम, तो वी एम माइनस वी आपका यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज होगा जो आपको आउटपुट में मिलेगा यहाँ पर। अब इसका वोल्टेज वापस धीरे धीरे घटने लग गया है, ठीक है, तो ये भी धीरे धीरे देखिए घटने लग गया है, ठीक है। अब जब वी एम इक्वल टू वापस वी होगा तो आपका डायोड फिर से रिवर्स बायस में चला जाएगा और आपको फिर आउटपुट में जीरो मिलेगा, ये देखिए फिर आउटपुट में आपको जीरो मिला। अब बात करते हैं नेगेटिव साइकिल की, तो नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो ये दोनों मिलके वोल्टेज बैटरी का और ये साइन वेव का इनपुट दोनों जुड़ जाएंगे और ये दोनों मिलके इसको रिवर्स बायस में कर देंगे, तो यहाँ पर आपका डायोड इस कंडीशन में नेगेटिव हाफ साइकिल में कभी भी आपका फॉरवर्ड बायस में नहीं रहेगा और आपको आउटपुट में जीरो ही मिलेगा यहाँ पर। ये तो आपका आउटपुट में सिर्फ कितने देर रहा, यहाँ से और यहाँ तक, इतनी देर तक ही आपको आउटपुट मिला जब आपका वी इनपुट जो डीसी बैटरी है उससे ज़्यादा था, ठीक है। तो ये आपका इस पार्ट को इसने सिर्फ रखा और बाकी पार्ट को क्लिप कर दिया, तो ये आपका क्लिपर सर्किट हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पैरेलल क्लिपर सर्किट की। तो पैरेलल क्लिपर सर्किट जो होते हैं उनमें जो डायोड होता है वो लोड के साथ पैरेलल में होता है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका लोड है यहाँ पर वो डायोड के साथ पैरेलल में है, ठीक है, तो ये आपका पैरेलल क्लिपर सर्किट हो गया। अब अगर हम इसमें ये इनपुट वेव अप्लाई करें तो आपका आउटपुट कैसा आएगा वो देखते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया प्लस वी, या पॉजिटिव हाफ साइकिल प्लस वी, तो ये डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। और अब अगर ये फॉरवर्ड बायस में है तो यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी कि एक वायर की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पर आपको वोल्टेज में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप नहीं हो रहा है डायोड के अक्रॉस, ये आइडियल डायोड है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको आउटपुट में जीरो मिल जाएगा। अब बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। तो जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आया ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो डायोड अब यहाँ पर आपका रिवर्स बायस में आ जाएगा और रिवर्स बायस में आ गया तो ये ओपन सर्किट बन जाएगा। ओपन सर्किट बन जाएगा यानी ये ब्रांच आपकी ओपन हो जाएगी और आपका जितना वोल्टेज है उतना ही आपको आउटपुट में मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगी, सर्किट कंप्लीट नहीं है क्योंकि डायोड आपका रिवर्स बायस में चला गया, इसलिए तो आपका जितना इनपुट वोल्टेज था उतना ही आपको आउटपुट में मिल जाएगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि करंट नहीं है, ठीक है, तो ये देखिए इनपुट जो है आपका वो आउटपुट में वैसा का वैसा ही आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा एक और पैरेलल सर्किट, पैरेलल क्लिपर। तो यहाँ पर क्या है कि डायोड को मैंने कुछ पहले से उल्टा कर दिया, ये देखिए दोनों का डायरेक्शन अलग है लेकिन डायोड अभी भी पैरेलल में ही है लोड के, तो ये भी क्लिपर सर्किट ही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बैटरी भी लगा दी। अब देखते हैं इनपुट, अगर मैं ये इनपुट अप्लाई करूँ साइन वेव, ठीक है, तो आपका आउटपुट कैसा आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो इनपुट है वो जीरो से जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पर इसका वोल्टेज जीरो है, तो आपका डायोड इस बैटरी की वजह से फॉरवर्ड बायस में रहेगा क्योंकि यहाँ पर P पॉजिटिव से कनेक्टेड है और N नेगेटिव से, तो ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा।
फॉरवर्ड बायस में ये रहेगा तो ये शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट जब ये बना तो ये सिंपल वायर बन गया यहाँ से, और आपका इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज है, प्लस वी, यानी कि आपको आउटपुट में कितना वोल्टेज मिलेगा, बैटरी का वोल्टेज जितना है उतना ही मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आपको प्लस वी वोल्टेज यहाँ पर मिल गया यहाँ से यहाँ तक, जब तक कि इसका इनपुट का वोल्टेज, इसका इनपुट वोल्टेज बैटरी के बराबर ना हो जाए तब तक आपको ये वैसा का वैसा ही बैटरी का वोल्टेज आउटपुट में मिलेगा। अब जैसे इनपुट वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के बराबर हुआ वैसे ही आपका डायोड रिवर्स बायस में चला जाएगा, काम करना बंद कर देगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ओपन सर्किट जब ये हो गया तो यहाँ से करंट फ्लो होना बंद हो गई। अब यहाँ से करंट फ्लो होना बंद हो गई तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं रहा, तो आपका इनपुट जितना वोल्टेज है उतना ही आपको आउटपुट में मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे ही वी से ज़्यादा हुआ ये वोल्टेज इनपुट, आपको वैसा का वैसा ही ये वाला जो पार्ट है आउटपुट में यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मेरा वोल्टेज क्या है, धीरे धीरे वापस कम होने जा रहा है। अब जैसे ही ये वोल्टेज वी से कम होगा, इनपुट वोल्टेज वी से कम होगा, तो वापस आपका डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। ठीक है, तो आपको जैसे ही फॉरवर्ड बायस में गया ये वापस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, बैटरी का वोल्टेज। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको बैटरी का वोल्टेज यानी कि वी वोल्ट आउटपुट में मिल गया। ठीक है, अब नेगेटिव की बात करते हैं। तो ये वाला जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा ये, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये बैटरी के साथ मिल जाएगा, तो बैटरी के साथ जैसे ऐड होगा आपका ये, ठीक है, तो आपका डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा, और फॉरवर्ड बायस में जब आपका डायोड चला जाएगा तो ये शॉर्ट सर्किट बन जाएगा और आपको आउटपुट में वही बैटरी का वोल्टेज मिल जाएगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में, पूरे हाफ साइकिल में ये डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में रहता है और आपको आउटपुट में वी वोल्ट यहाँ पर बैटरी का मिल जाता है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव हाफ साइकिल पूरे तक आपको आउटपुट में प्लस वी वोल्ट मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो क्लिपर सर्किट है उसका आउटपुट कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्लिपर सर्किट के इस ट्यूटोरियल में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।